शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब तो लग रही है बराबर लैला, काली पीली नीली। चलो ले चलो इसे। मजनू भाई, मजनू भाई गलती हो गई, मुझे लगा मेरे साथ कोई फोन पर मस्ती कर रहा है। सच अगर मुझे पता होता कि आप फोन पर है तो मैं क्या ऐसे बोलता? तो क्या बोलता? ये क्या है बे? अबे तो क्या समझता मुझे? हाँ भाई, भाई आप ठीक हैं? ये मेरी प्रॉब्लम है। ये तेरे अकेले की नहीं, बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। वैसे भी आजकल साली तुम लोगों की तादाद कुछ बढ़ती जा रही है। अबे सुन, बिना सिग्नल के मोबाइल। सुन रहा हूँ भाई, बोलिए। कल तक मुझे 5 खोखे चाहिए, समझा? भाई भाई आपने फोन पे तो 4 खोखे बोले थे ना। वो फोन पर बोला था। अब भाई खुद चल के आए गाड़ी में तो पेट्रोल का खर्चा क्या तेरा बाप देगा? 1 करोड़ का पेट्रोल भाई? ठीक है ठीक है। अच्छा है भाई ने रास्ते में नाश्ता पानी नहीं किया, नहीं तो 6 खोखे हो जाते। हाँ 6 ही हो जाएगा। कल शाम के 5 बजे तक अगर तूने 5 खोखा नहीं पहुंचाया तो तेरी 3 की फैमिली 6 हो जाएगी। समझा देना इसको। समझा, 3 का 6 कैसे होता? अरे 3 लोगों का फैमिली है, तीनों को बीच में से काटेंगे तो कितने होंगे? 6 होंगे ना। चलो रे। अब कैसे टूटा ये? नीचे गिरा के। वो तो मेरे को भी मालूम है। हे देवा, मैं क्या करूं तुम लोगों का? तोड़ दी, तोड़ दी मेरी घड़ी, तोड़ दी। तुमको मालूम है कितनी महंगी है ये? अरे चिंतन, आ रहा हूँ। अरे इधर आ, देख ये क्या किया, मेरी घड़ी तोड़ दी। ये सारा पैसा इससे वसूल करना होगा। सेठ जी, घड़ी कितने में पड़ेगी? अरे मेरे दादाजी के जमाने की थी। आ, 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 भाव बच गए, महंगी नहीं पुरानी है, मैंने सोचा नहीं है। 50,000 रुपए की थी ये। सुनिए जरा, वो दहेज के पैसे लेकर इधर आइए ना। आ, आया आया। ए चिंतन, इसको छोड़ना नहीं, गेटकीपर को बोल दे इसको बाहर नहीं जाने दे। हाँ सेठ जी। तेरी तोंद में छेद कर दूंगा साले। मैंने नहीं गिराया भाव, इसने गिराया। ये क्या किया तूने? मैंने क्या किया भाऊ? आपने किया। जल्दी से साफ कर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखता हूँ, जल्दी कर। ठीक है, करता हूँ भाऊ। देखना कोई देख तो नहीं? हाँ देख रहा हूँ ना। कहाँ से साफ करूँ? जल्दी कर, जल्दी कर। जल्दी कर। अबे जल्दी कर, अबे जल्दी कर, जल्दी कर, कोई आ जाए। जल्दी कर, जल्दी कर। कर सारी मिठाइयाँ खराब कर दी, और ये देखो मेरा हाल। होली है भाई, होली है। बुरा ना मानो, होली खोरो, हराम खोरो। तुम लोगों ने गांठ बांध के रखी है कि मेरी बेटी की शादी तुड़वा के रहोगे, हराम खोरो। क्या हुआ? इसकी तो बत्ती गुल हो गई। इसकी बत्ती गुल हुआ है तो जमाना हो गया, तेरे को अभी पता चला? अरे अरे, इस लफंगे को अस्पताल में जाकर फेंक कर आओ। यहाँ पड़े पड़े इसकी जान निकल गई तो मेरे सिर पे जिम्मेदारी आएगी। सेठ जी, मेरे लिए तो यही अच्छा, मर जाए साला ये। सेठ जी, रस्म शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे क्या मुसीबत है, मिठाइयाँ गई भाड़ में। अरे तुम मेरी बेटी को तैयार करो ना। ऐसे आए थे मेरा घर सजाने, उजाड़ के चले गए। ये बोल हरामखोर, बहुत ढूंढा, अब मिला है तू।
ऐसे ऐसे ही मेरा दीकरा चीखा होगा जब तूने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसके बम्पर, उसके टायर, उसके दरवाजों ने तेरे से रहम की भीख मांगी होगी बेरहम। माफ कर दो पापा, माफ कर दूँ तेरे को, मेरे बच्चे के कातिल को माफ कर दूँ ना, तारी बहन हरी भाई ले जाए आराम को। पापा जी मुझे गोली बंद मारी है, मेरे पास 10 करोड़ रुपए। क्या 10 करोड़ रुपए? हाँ। यानी सेंट सेबेस्टियन गार्डन में एक बड़े डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपया है? हाँ 10 करोड़ रुपया। हाँ पापा जी हाँ। और अगर ये तेरी बात झूठ निकली तो आप मुझे जान से मार देना। ना लायक, मुझे ऑर्डर देता है। मैं ऑर्डर नहीं, आपको सजेशन दे रहा था। मैं बेवकूफ, मेरे को सजेशन देता है? अरे पापा जी टाइम वेस्ट मत कीजिए, उन लोग पहले पहुंच जाएंगे। अब ये किस लिए? अरे तू काम की बात देर में बोलता है, जल्दी चल दिख रहा, मेरे को 10 करोड़ दिख रहा। पापा जी गोवा उस तरफ है, आप इस तरफ क्यों जा रहे हो? अरे दिख रहा 25 किलोमीटर पीछे एयरपोर्ट है, जल्दी पहुंच। केले के छिलके पर फिसल कर आने का क्या मतलब है? योर ऑनर, मैं बहुत बड़ा फिसलू कैरेक्टर हूँ सर। मोहल्ले वाले कहते हैं कि हम खाना नहीं फिसलू हैं। एक बार मेरे बाप बारिश से कीचड़ में से फिसल के सीधे कोर्ट पहुंच गए थे। अचानक उनको याद आया और मेरी माँ को खर्चा पानी देना भूल गए और मेरी माँ बाथरूम में थी, डबल बी साबुन पे जो फिसली सीधे कोर्ट पहुंच गई। इसीलिए एज ए लॉयर मैं अपने क्लाइंट संजय खन्ना को पहुंचा के रहूंगा अपनी मंजिल तक, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपनी बीवी अंजलि खन्ना से किसी भी कीमत पर डिवोर्स चाहते हैं और वो मैं दिला के रहूंगा। यस योर ऑनर, अब मैं इस औरत के साथ एक पल भी नहीं रह सकता। अरे क्या दुनिया का कोई आदमी रहने सकता, ये इंसान थोड़ा ही है, ये फरिश्ता है, इनसे इनका क्या रिश्ता है? योर ऑनर, मैं खुद भी तंग आ गई इस आदमी से। आप इस तरह आपस में अदालत में झगड़ा नहीं कर सकते, आपका कोई वकील है? योर ऑनर, आई एम मिस अंजलि खन्ना एडवोकेट रामकरण रिपोर्टिंग। अरे ये क्या हाल बना रखा है, कुछ लेते क्यों नहीं? कितना लेगा सर, कोई लिमिट है? ले लेके तो ये हाल है। हट, सब समझ रहा हूँ, ये सब इसका कारस्तान नहीं हमारे बेटे नीम कैरे का। जो राना ये केस हम जीतना चाह रहे थे, हमको बाथरूम में बंद करके आ गया ससुरा। लेकिन सच्चाई कभी बंद है का? हम दरवाजा तोड़ के हाथ देखा, साफ पूरा कपड़ा फटफटा गया है, कंडीशन देखा। योर ऑनर, मेरा पहला 4-7 जनवरी की रात को मिसेस अंजलि खन्ना हिल्टन होटल में मिस्टर मेनन के साथ थी। यू आर रॉन्ग, 7 जनवरी की रात को मेरे क्लाइंट मिस्टर मेनन के साथ नहीं, कन्नन के साथ थी। केरी अंकल, का ज्यादा बोल दिया का? योर ऑनर, ये कन्नन कौन है? अरे केस लड़ने आए हो और कन्नन को नहीं जानते है? अरे चंदन का भाई कन्नन। अरे चंदन कौन है? मन्नन का बेटा चंदन। अब ये मन्नन कौन है? बब्बन का बाजू वाला। मगर ये बाजू वाले का इस केस से क्या लेने देना है जज साहब? देखा योर ऑनर, ये बुढ़ बकवा को तो कुछ पता ही नहीं है, दरअसल अंजलि का किसी से कोई नाता ही नहीं है। अरे कोर्ट तो इनमें है, पिछले हफ्ते इन्होंने सुचना को 11 लाख का हीरो का हार दिया। बताइए, 11 लाख का हार नहीं, मेरे क्लाइंट संजय खन्ना ने 1100 रुपए का अमेरिकन डायमंड का हार दिया था, दैट्स ऑल। अबे ये क्या बोल रहा है तू? देखा योर ऑनर, इन्होंने हार दिया मतलब इनका सुजना से भी चक्कर है। सुजना से क्या, मिलीना के साथ भी है। ये मिलीना कौन है? अरे जो लिलीना के साथ आई थी। अरे ये लिलीना कौन है? टीना की बाजू वाली। मगर बाजू वाली का ये कैसे का लेना देना है बेटे? वही जो चंदन मन्नन और बब्बन का था डैडी। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, अंडरस्टैंड योर ऑनर, इसे कुछ भी नहीं आता है, आया केस लड़ने। मगर फिलहाल इनकी बीवी के साथ 11 लोगों का चक्कर है, 11, और इनका पति का चल रहा है चक्कर 25। 25 चक्कर कोई हद होती है सर? ये बाजी तली छा के पोते हैं, झूठ बोलते हैं सर, पागल हो गया है, दूसरों के भी कपड़े फाड़ते हैं और अपने भी फाड़ लेते हैं। देखो पड़ा हुआ, तुम दोनों पार्टियों ने साबित नहीं किया कि सच क्या है और गलत क्या है, और अदालत बगैर ठोस सबूत के कोई फैसला नहीं कर सकती, इसलिए अदालत आप दोनों को 1 महीना देती है। 1 महीने के अंदर तुम कोई ऐसा सबूत ले आओ जिससे ये साबित हो कि मोहतरमा गलत है, और मोहतरमा 1 महीने के अंदर आप ऐसा कोई सबूत ले आइए जिससे ये साबित हो कि मोहतरम गलत है, तभी अदालत किसी नतीजे पर पहुंचेगी
कि डिवोर्स का जजमेंट दिया जाए कि नहीं। वो गोवा में पुलिस इंस्पेक्टर थे, एक चोर ने सर पे डंडा मार दिया, तब से उनके ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया है, तो वो क्लॉट जहाँ रुकता है वो हिस्सा बेकार हो जाता है, तो कभी अंधे होते, कभी बहरे होते, कभी गूंगे होते, देखते आज क्या है। आज अंधे हैं। मैं नहीं मानता। आप अभी मान जाओगे। दे रहे तुक्कल साहब। वो तो देख रहे हैं। वो नहीं देख रहे, आप देख रहे हो। अभी बताता हूँ, रुको। कब बख्शो, आज अंधा हूँ तो मारते हो, कल जब दिखाई देगा ना तो तुम में से मोहल्ले में एक भी दिखाई नहीं देगा। हाँ अब आ गया यकीन, रुक जाओ। अरे अच्छा वो तू आ गया, सुबह से चाय नहीं पिए, ला एक आधा लीटर दूध दे दे। क्या हुआ, दूध खत्म हो गया बंसी? जी मैं बंसी नहीं हूँ, समीर हूँ। अरे माफ करना, मैं आपको अपना दूध वाला समझा। ये हेडलाइट कब बुझ गई चाचा? तुझसे क्या मतलब, तू कोई डॉक्टर है क्या? चल दूध दे। अरे मैं दूध वाला नहीं हूँ, मैं राजू ज्योतिषी पंडित। अरे ज्योतिषी पर, ये तेरा मुँह इतना बड़ा कैसे? अरे मुँह नहीं है तो बैग है। अच्छा मुँह ये है, पचक जाएगा चाचा। कैसे आना हुआ, क्या काम है? काम मुझे, मेरी नौकरी बीच रिसोर्ट पे लगी। हाँ। शर्मा जी ने आपसे बात की है कमरे के बारे में ना? हाँ, हाँ तो आओ ना, मैं कमरा दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हारा कमरा। हाँ। ऐसे यहाँ से ऊपर जाओ, सीधे हाथ में तुम्हारा कमरा है, जा। चाचा यहाँ कोई कमरा नहीं है। नहीं है? रात को तो देख के सोया था, सुबह आँख गई तो कमरा भी गया। नमस्ते। ओफो, आप गलत जगह दिखा रहे, कमरा वहाँ है। वहाँ कहाँ? यहाँ। चलिए बाहर निकाल रही हो, अंदर ही जा रहे हैं। चलो, चलो। कमरा बाद में देख लूंगा, पहले किराए की बात कर लीजिए। मैं आपको सिर्फ 2,500 रुपए दे सकता हूँ। और मैं कम से कम 5,000 लूंगा। मंजूर है तो बोलो, वरना चलो बाहर, चलो। अरे मैं हूँ बाबा। तुम कहाँ बीच में आ जाती हो बार बार। एक काम कीजिए चाचा, 2,500 में इनको आधा कमरा दे दीजिए, बाकी का आधा कमरा 2,500 में किसी दूसरे को दे देना। तो क्या ये बंसी भी साथ में रहेगा? मैं बंसी नहीं हूँ। तो फिर नाराज क्यों होता है, ला आधा लीटर दूध दे दे। अरे मैं दूध वाला नहीं हूँ, मैं राजू हूँ ज्योतिषी। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है, जाके लोगों की कुंडली देखना यार, जा। मैं जब तक समीर को कमरा दिखा दूँ, चल समीर। अरे बाबा मैं हूँ। अरे यार ये समीर कहाँ है? यहाँ हूँ तुक्कल साहब। चल चल। कितनी ड्रेसेस थी? 6 माल को। और एक्टर कितने? वो भी 6 माल को। अरे अंकल के कच्चू, बच गया मुरारी, माल को मोच आ जाएगी ना। बच गया, अरे निकालो तब घुट रहा है, निकालो। संभल के मालको, संभल के मालको, हमारे मालिक दीनानाथ सब कुछ वाला। मुंशी जी अगर ऐसी मेरे गले में चीजें फंसती रही तो एक दिन तो मर जाऊंगा। इतनी जल्दी मालको? ये कौन है? ये है प्रकाश, शूटिंग के कपड़े लेने आया है। प्रकाश जी कितनी ड्रेसेस चाहिए? 6। और एक्टर कितने? 6। पागल हो गए हो, यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब कोई प्रोडक्शन वाला फिल्म के भाड़े के कपड़े लेने आता है तो इसके बाद आता है? दीनानाथ सब कुछ वाला के पास। क्योंकि हम उसे जरूर से ज्यादा ड्रेसेस देते हैं। और बदले में उनके प्रोडक्शन वाले को हम क्या देते हैं? कमीशन। कमीशन। और अगर इसी तरह आप ईमानदारी की बातें करते रहे तो मेरा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और इसकी एक ही सजा आपको जरूर मिलेगी। मुंशी जी इसके ट्रंक में 6 ड्रेसेस और डाल दो। मालको पर मुझे इतने ड्रेस की जरूरत नहीं है सर। जरूरत नहीं है तो जरूरत पैदा करो, जब इतने बच्चे पैदा किए तो उनको खुश भी तो रखना पड़ेगा। और घबराओ नहीं, इस एडजस्टमेंट के लिए मैं आपको कमीशन दूंगा। ठीक है सर, अब निकालो मेरा एडवांस। मेरा कमीशन? अच्छा कमीशन, हाँ कमीशन। मुंशी जी मालको गुजरा देना। क्या मालको? वही जो अटक गया था। हेलो मालको। मुकुट जाए पर सर ना जाए। ये क्या? मुकुट। मुकुट? तुम्हारा कमीशन। मगर मैं इसके क्या करूंगा? वही जो 2 साल तक टीवी सीरियल वालों ने किया था। क्या मतलब? मतलब ये कि बच्चों को दे देना, खुश हो जाएंगे। मुझे ये नहीं, मुझे पैसे चाहिए। राम राम राम। अरे ऊपर वाले से डर, हनुमान जी से डर, टीवी सीरियल वाले हनुमान जी से डर। इसको घर ले जा, इसकी पूजा करना, तेरे दिन बदल जाएंगे। पानी मैंने पी लिया है। मेरे लिए सर? अच्छा अच्छा, अच्छी हो रही है। होटल में बैठे हो, पानी मुफ्त में आता है क्या? उल्लू के बच्चे तुझे कितनी बार खाए कि मुझसे पूछ कर पानी दिया कर। जा साहब का सामान ले जा और बाहर गाड़ी में रख दे। और सुनो, कपड़ों का फटना तो दूर, अगर एक भी कपड़े का बटन टूटा हो तो पैसे दुगने लगेंगे। मगर? मगर नहीं, दरवाजा उधर। चलो मुंशी जी मालको, ये मुकुट के पैसे भी इनके हिसाब में लगा देना। जी मालको।
ये क्या है? माँ को ये विग है। इसकी? यमराज खान वाली है, गब्बर सिंह वाली। तो ये विग देना था ना, क्या मुझे आपने मुकुट दे दिया। कैसा लग रहा हो मालको? लेकिन आज धंधे की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई मालको। अरे जी मुंशी जी, मेरा तो एक असूल है। हाँ मालको। कि अगर आप लक्ष्मी की कदर करो तो लक्ष्मी आप पर भी मेहरबान हो जाती है। मुरारी मालिक, ये घर में चार जगह लाइटिंग क्यों जल रही है? भूल गया था मालिक। भूल गया था, अगर मैं तुझे पकार देना भूल जाऊं तो। ओहो, अजी लाइट क्यों बुझा दी? आपको तो पता था कि मैं नहा रही थी। अरे नहाने का लाइट से क्या लेना देना, अंधेरे में क्या किसी और पे पानी फेंक दोगी? लोटा लिया, पानी में डाला, पानी निकाला और अपने ऊपर उंडेला और हो गया नहाना। और फिर नहाते हुए अपने आप को देखने में शर्म नहीं आती क्या? हे भगवान, अंधेरे में कोई कैसे नहा सकता है? क्यों, जब दुनिया में लाइट नहीं थी तो लोग नहाते नहीं थे क्या? और तुम्हें तो नहाने की बीमारी है। अरे काली तो नहाई थी। देखो जी, ये फालतू लोगों के चोंचले हैं, बैठे बैठे कुछ नहीं करने को तो चलो नहा लेते हैं। अरे मुझे देखो, फुर्सत जब मिलती है तब नहाता हूँ। इससे क्या है कि पानी साबुन भी बचता है और सेहत भी बनी रहती है। हे भगवान, दुनिया के जितने कंजूस मरे हैं, लगता है उन सब की आत्मा इनमें घुस गई है। और जब मुगल खानदान की सारी बेग में मर गई तब तू पैदा हुई थी। वो तो उस जमाने में बिना लाइट के नहा लेती थी, लेकिन तू नहीं नहा सकती। और तेरा वो कमबख्त बेटा, उसे तो पानी और साबुन से मोहब्बत है, दिन में तीन तीन बार नहाता है। देखो जी, मेरे बेटे के बारे में कुछ मत कहना, मेरे जिगर का टुकड़ा है मेरा लाल। लाल मार मार के लाल नीला पीला कर दूंगा। लोग कहेंगे कि चलता फिरता इंद्रधनुष जा रहा था। मालिक विकास बेटा तो हीरा है, हीरा हीरा है। तो मुंशी जी ऐसा करते हैं, इस बार आप पगार की जगह उस हीरे को घर ले जाइए। अरे मालिक, अभी बच्चा है, धीरे धीरे समझदार हो जाएगा। एक बात याद रखिए, एक दिन आपका वो नाम रोशन करेगा। करेगा हा? कर रहा है जी, पिछले पांच साल से एक ही क्लास में बैठा हुआ, अभी कल फिर रिजल्ट आएगा, आप देखना इस बार भी फिर फेल हो जाएगा, लेकिन इस बार ऐसी मरम्मत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। कैसा है ना एकदम कड़क? 100-150 किलो है, बोलो कितना चाहिए, बोलो। साले कचरे के आइटम, मेरा माल चुरा कर मेरे कोई बेचता है? अरे अरे, तू मेरा माल मैंने किधर चुराया? अरे किसने चुराया? अरे मेरे को क्या मालूम किसने चुराया? एक छोकरा आया था 6 फुट का, ये 6 इंच की पुड़िया लेके। माल किधर है? छोकरे के पास। अबे छोकरा किधर है? मैं जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ, मैंने उसे फोन करने को बोला है 4 बजे। उसका ही होगा, उसका ही होगा, उसका ही होगा। हेलो कचरा सेठ स्पीकिंग। हाँ कचरा सेठ, राजू बोल रहा हूँ। उसका ही है। फौरन माल लेकर बुला इधर। भाई तेरे लिए पैसे का इंतजाम हो गया है, तू झट माल लेके इधर आ जा। किधर? इधर बोले तो शैतान गली, खतरा महल, अंधेर नगर और शमशान के सामने। अच्छा अच्छा अच्छा, शमशान के सामने, ठीक है ठीक है। शमशान के एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट कचरा सेठ, एक मिनट। वो माल देने को बुला रहे कि जान देने को बुला रहे? शमशान, हाँ, शमशान के पास नहीं, कहीं और बोलना, कहीं भी यार। हटो तो। कचरा सेठ, कचरा सेठ, वो रॉयल सर्कस देखा आपने? हाँ, वो जो SG मैदान के सामने मटुंगा के पास। हाँ वही 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 रॉयल सर्कस। काय को? प्लीज प्लीज, वो रॉयल सर्कस में बुला रहा है। क्यों, छोटा बच्चा है क्या? शक्ल से तो बड़ा है, अकल का पता नहीं। अच्छा अच्छा, जो भी है फौरन बुलाओ उधर। हाँ भाई तू जल्दी आ जा, रॉयल सर्कस में आ जा, मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ ओके, बाय बाय बाय। ये वो दिखाया माल लेके भून देता है साले को। ये पब्लिक प्लेस है, इधर कुछ ऐसा नहीं करना। एक बार उसका सूरत देख लेने, फिर उसको सूरत स्टेशन पे भी जाके उड़ा सकते हैं। उसके लिए ये नकली नोट लाया हूँ, पहले उसके पास से असली माल ले लेते हैं। है? मेरा 2% नहीं बोलना। नमस्कार नमस्कार मंडली, ये ले। माल लाया? तू रोकड़ा लाया? ये क्या बैग भर के लाया हूँ? तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने। तू दे। पहले तू दे। देना। दे, दे रे। वो दे। हाँ देता हूँ ना, ये ले। ये ले पकड़। ये भाव, ये पहले माल चेक करके देख ले। अरे ईमानदारी की पीपड़ी बजाना बंद करो। तू भी चेक कर लेना, रोकड़ा एकदम असली है। हाँ?